यहाँ पे आप देखोगे तो थोड़ा सा आज मैं स्काल्पिंग के बारे में कहने वाला था। अभी तक क्या चल रहा है और मैं ये लाइक क्यों नहीं कर रहा हूँ, पहले तो बिकॉज इट रिक्वायर्स कॉन्सेंट्रेशन। और होता क्या है कि कमेंट्स, चैट्स और लाइव के सब चीज़ हैंडल करना, उसके साथ स्कैल्पिंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब ये स्टॉप लॉस यहाँ पे अगर अच्छा ब्रेकआउट हुआ तो ये एंट्री पॉइंट और ये टारगेट रहेगा पहला वाला। ओके, अब क्विकली हम देखते हैं कि क्या क्या यहाँ पे है हमारे पास। ये हो गया आज की जो पहले मैंने स्कैल्पिंग की थी वो, और यहाँ पे क्या है, सी आई हैव टू शो यू इन अ मल्टीपल वे, राइट? यानी कि ये मुझे थोड़ा सा ऐसा करना पड़ेगा, ये सही ब्रेकआउट नहीं चल रहा है फ़िलहाल, तो वी हैव टू वेट फॉर अ राइट ब्रेकआउट। बहुत ही कॉम्प्लिकेट हो जाता है, दैट इज़ द रीज़न। यहाँ पे ओके, यस निफ्टी, ओके डिसम्बर 16,500 एंड सी आई एम एब्सोल्युटली नॉट डूइंग एनीथिंग। ये पहला ट्रेड था, बहुत छोटा सा था, ओके 18,000 का प्रॉफिट था। अब क्योंकि ये सही नहीं हो रहा है सो मैं क्या करूँगा, अब मैं 16,400 का पीई भी देखना चालू करूँगा। और क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम पे, 3 मिनट के टाइम फ्रेम में स्कैल्पिंग कर रहे हैं, इसके लिए आप एट द मनी ले सकते हो 16,400 पीई। ओके, कुछ नहीं कर रहा हूँ, जस्ट आई एम ऑब्जर्विंग एंड एक्चुअली दिस इज़ अ वीकनेस, तो लेट अस लुक इनटू इट हाउ द वीकनेस इज ब्रोकन। और कुछ इंफॉर्मेशन क्या हम यहाँ पे कलेक्ट कर सकते हैं? अब क्या होगा, एंट्री पॉइंट इसके ऊपर चला जाएगा, सो दिस इज़ अगेन नॉट अ गुड थिंग। तो देर इज़ नथिंग वी कैन डू अपार्ट फ्रॉम वेटिंग, तो जस्ट वेट करते हैं। ओके, ये हो गया, ये निकाल दिया, ये रहने दो, कुछ नहीं करना है, ये भी निकाल दिया। एंड दैट इज़ द रीज़न, आप खुद देखोगे बहुत टाइम लगता है स्कैल्पिंग के लिए, तो जस्ट रुके रहना। ये है ओपन इंटरेस्ट डेटा, कह रहा है कि 16,500 का जो पुट है दैट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, तो इसके लिए ऊपर चला गया है। बट जो चार्ट्स बता रहे हैं आज वो कुछ और बता रहे हैं स्मॉल टाइम फ्रेम में, तो वी आर लुकिंग फॉर अ गुड ब्रेकआउट फ्रॉम हियर। टारगेट कौन सा हो सकता है, 16,573 का। ये कैंडल जो फॉर्म हुई वो डेफिनेटली सही नहीं है, सो कुछ नहीं कर सकते जब तक कि अब अच्छी खासी कैंडल नहीं बनती है। सो दिस कैंडल वॉज नॉट गुड। ओके, लोअर साइड पे अगर आप मुझे पूछोगे कि कहाँ पे स्काल्पिंग करना है तो ये निकल जाएगा। ओके, ये पॉइंट निकल जाएगा। अभी इसके नीचे अगर ये गिर रहा है तो डेफिनेटली वी कैन लुक फॉर इट। लॉट ऑफ थिंग्स टू गेट पैनिक इन अ शॉर्टर टाइम फ्रेम। और 16,500 क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो आई वुड नॉट सजेस्ट कि आप 16,500 के नीचे, अब ये ऊपर वाले पोजीशन के लिए हम नहीं देख रहे हैं तो हम नीचे के लिए देखेंगे। तो ये यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, दिस बिकम्स अ गुड पॉइंट 16,500 के नज़दीक। दिस विल बी आवर फर्स्ट टारगेट एंड दिस विल बी आवर सेकेंड टारगेट, एंड ये हमारा स्टॉप लॉस हो सकता है। और हमारा ये आप देखोगे कैसे चालू करूँगा, पहले हार्डली 100 या 50 पॉइंट्स का ये ले लूँगा, एक जैसे जैसे नीचे गिरेगा अकॉर्डिंगली आई विल ट्राई टू एवरेज। ये वाला स्टॉप लॉस है, ओके जस्ट आई विल, व्हाट आई विल डू, आई विल गो विथ, जैसे ही ये नीचे आ गया मैं एक बाय कर लूँगा। एंड देर इज़ अ वेरी हाई चांसेस कि ये नीचे नहीं भी आएगा, ये रेंज में घूमते रहेगा,
सो अननेसेसरीली गलत जगह पे ट्रेड नहीं करना चाहिए। एंड लाइव में आप इमेजिन करो इतने देर नॉन स्टॉप बात करना या बोलते रहना, रियली इट्स अ बिट अनॉइंग, क्योंकि ऑलरेडी पोजीशन आपने ली होती है। सो फर्स्ट व्हाट आई एम डूइंग, आई एम रिकॉर्डिंग इट, और रिकॉर्डिंग होने के बाद आई विल जस्ट पुट इट ऑन यूट्यूब और मे बी मनी मेकिंग ट्रेडिंग स्टूडेंट के कोई टेलीग्राम का चैनल जहाँ है वहाँ पे मैं ये डाल दूँगा। फिलहाल आई एम नॉट डिसाइडेड, सो लेट अस वेट। अभी तो पोजीशन नहीं दी है, देर आर मैनी अदर थिंग्स जो मैं, क्योंकि आज पहला दिन मैं ये कर रहा हूँ तो नहीं इसको डिटेल में कवर कर रहा हूँ। ये ऐसे ऐसे और ऐसे जाने के चांसेस है, और किसके नीचे हमको शॉर्ट की पोजीशन लेनी है ये मैंने अभी तक आपको नहीं बताया है। ये लेवल के बाद फिबोनाची कह रहा है 16460 के बाद आप शॉर्ट की पोजीशन ले सकते हो। और अगर आप देखोगे यहाँ से जो वेव है कितना रिट्रेसमेंट है, हार्डली देर इज एनी पुल बैक। सोलह हजार सात सौ तक भी गया, 780 तक, तो भी यू शुडेंट बी सरप्राइज्ड, इट विल बी अ पार्ट ऑफ पुल बैक। और ये तो 23 पे ही रिवर्स ले रहा है, 23 सुपर बेरिशनेस इन द मार्केट, 38 तक भी जाने को नहीं सुन रहा है, 38 को भी नहीं जाना चाहता है। 38 इज अगेन 16630, रियली शॉकिंग। 16630 जाएगा क्या, यानी कि ये लेवल अचीव करेगा क्या, आइए देखते हैं, इज इट पॉसिबल। एक्चुअली अगर आप देखोगे ना, अगर ये कैंडल कॉन्फिडेंटली बन जाती है तो एटलीस्ट ये लेवल तक आप स्कैल्प कर सकते हो। मैं क्या करूँगा, ये जो है ये यहाँ पे मैं डालने को ट्राई कर रहा हूँ, यहाँ पे लॉट ऑफ कंफ्यूजन इज बीइंग क्रिएटेड। ओके आप सही है, यस दिस इज ओके। यस वी आर गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी टू बाय अ कॉल, क्योंकि एटलीस्ट 38 तक तो रिट्रेसमेंट होना चाहिए, राइट? वन मिनट इज स्टिल रिमेनिंग। किधर से आ गया,
पीई किधर से आ गया? मैंने पीई बाय किया ही नहीं था। वेरी वेरी फ्रस्ट्रेटिंग। यस फंटास्टिक। ओके दिस इज वेरी वेरी इरिटेटिंग। ये जो चल रहा है ना, डबल इसमें करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐड इसके नीचे नहीं आना चाहिए, अदरवाइज आई विल एग्जिट। एग्जिट यस, ये वाली क्वांटिटी ऐड या एग्जिट। ओके फंटास्टिक। ये मेरा स्टॉप लॉस, अब इधर उधर गायब मत हो जाना, अदरवाइज आई विल बी इन ट्रबल। ओके सी ई यस। वेरी पावरफुल कॉन्फिडेंट ब्रेकआउट हो गया यहाँ पे। आई विल नॉट स्काल्प अबाउ दिस, यहाँ तक ही ट्रेड करूँगा। एंड इफ यू सी आई एम जस्ट कीपिंग एवरीथिंग रेडी, जैसे ही वहाँ पे टच हो जाएगा, अरे गायब मत हो जा। यस दिस इज द वैल्यूज क्वान्टिटी फर्स्ट टाइम, क्योंकि यस यहाँ पे क्वान्टिटी भी दिख रहा है। बहुत फास्ट नीचे आ जाता है, दैट इज़ द प्रॉब्लम, क्योंकि वोलेटिलिटी बहुत ऊपर नीचे हो रही है। यहाँ पे आपको दिखेगा, नाउ दिस इज डिलीट, ये ही मेरा स्टॉप लॉस है। एंड अगर आप देखोगे एक अच्छा खासा वेव फॉर्म में ये जा रहा है, तो जैसे हमने देखा 38.2 तक जाना कुछ भी बड़ी बात नहीं है। And again, I am not explaining in very detail. Yes.
ओके सी इधर तक भी नहीं जा पाया, सो अगेन वी हैव टू वेट फॉर नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। कितना ये हुआ टोटल? 552, नॉट मच, 3,500 से डायरेक्टली यहाँ। एंड आई एग्री, लाइक क्योंकि ये अभी बहुत फास्ट ट्रेड हो रहा है, एंड इफ़ यू सी अब भी नीचे नहीं आना चाहिए था, बिकॉज़ ये जो वेव फॉर्म हुआ था ये यहाँ तक तो भी जाना चाहिए था। अगर ऐसा हो रहा है तो दिस इंडिकेट्स वीकनेस, तो अब इतने जल्दी कुछ ट्रेड नहीं बनेगा।